हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ भाग्यश्री। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर टॉपिक, दैट इज इलस्ट्रेशंस ऑफ सीएमए फाइनल पेपर नंबर 15, स्टडी नोट नंबर 4। सो टुडे वी विल सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 6, बट बिफोर सॉल्विंग दिस इलस्ट्रेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड वन स्मॉल कॉन्सेप्ट, दैट इज जस्ट इन टाइम सिस्टम, दैट इज जीट सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं। सो जस्ट इन टाइम टेक्निक या फिर सिस्टम हम लोग उसको बोलते हैं। तो वो क्या होता है वो हम लोग अंडरस्टैंड करके बाद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द शॉर्ट कॉन्सेप्ट और एल्स शॉर्ट डेफिनेशन मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ओके, सो मैंने पहले भी एक 3 से 4 कुछ कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिसमें मैंने छोटे छोटे मीनिंग या फिर डेफिनेशन करा के आपको दिए, ताकि वो इजी वे में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आपको वो अच्छे से ध्यान में रह जाए कि एग्ज़ाम में लिखते वक्त आपको क्या लिखना है। ओके, सो ये जो डेफिनेशन या फिर मीनिंग है वो हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसमें से ही मैंने दिया है, लेकिन उसका कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके या फिर सिंपल लैंग्वेज में करके दिया है, ताकि आप लोगों को वो अच्छे से याद हो जाए। ओके, सो जस्ट इन टाइम जीट सिस्टम। जीट इज़ अ सिस्टम ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्री दैट इज डिजाइन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मिनिमाइज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ओके, सो जीट ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम लोग इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या इंक्रीज करना है, हम लोग को इम्प्रूव करना है एफिशिएंसी और रिड्यूस करना है वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, जीट हम लोग को किस में हेल्प करता है? जीट हम लोग को हेल्प करता है मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। सो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का जो है कॉस्ट का जो मिनिमाइजेशन है उसमें हम लोग को जीट हेल्प करता है। सो जीट का कॉन्सेप्ट है वो इस मीनिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि जीट एग्जैक्टली किस लिए और कैसा यूज़ किया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके, बिकॉज जीट के रिलेटेड जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग को स्टडी मटेरियल में दिया है, सो आप लोग एक दो बार रीड करोगे तो भी आपको ईजीली समझ में आएगा। ये जो मीनिंग है वो एग्ज़ाम में आपको लिखने के लिए ईजी पड़े, इसके लिए मैंने वो लिख के दिया है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोग हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसमें से रीड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6। सी, बी लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू अडॉप्ट जीट पॉलिसी फॉर मटेरियल्स। द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ जीट पॉलिसी आर आइडेंटिफाइड। ओके, टू इम्प्लीमेंट द जीट द कंपनी हैज़ टू मॉडिफाई इट्स प्रोडक्शन एंड मटेरियल डिजिट फैसिलिटी एट अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ 10 लाख। ओके, सो जीट अगर हम लोग को जीट पॉलिसी अगर हम लोग को एक्सेप्ट करना है सो उसके लिए कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें और मटेरियल रिसर्च की जो फैसिलिटी है उसमें। ओके, सो देर आर सम मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर अडॉप्टिंग द जीट सिस्टम। सो 10 लाख का जो कैपिटल कॉस्ट है वो हम लोग को इनकर करना पड़ेगा। द मशीन विल रिक्वायर्ड अ कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट 1,08,000 पर एनम। ओके, सो दिस इज़ द कैपिटल कॉस्ट हम लोग को करना पड़ेगा, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हम लोग को करना पड़ेगा। ओके, द कैपिटल कॉस्ट विल बी डेप्रिसिएटेड ओवर 5 ईयर्स। सो कैपिटल कॉस्ट का हम लोग को जस्ट डेप्रिसिएशन के लिए ये नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है। रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग विल बी रिड्यूस फ्रॉम 40 लाख टू 10 लाख। ओके, सो रॉ मटेरियल जो हम लोग स्टॉक होल्डिंग करते हैं, इन शॉर्ट इन्वेंट्री कैरिंग करते हैं, तो उसका जो कॉस्ट है वो इतना डिफरेंस हो गया। 40 लाख पहले होता था, अभी उसका 10 लाख होने लगा है। ओके, सो दिस इज़ द बेनिफिट ड्यू टू जीट, बिकॉज अर्लियर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट वॉज 40 लाख, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट वॉज 40 लाख, बट नाउ आफ्टर जीट इट विल बी 10 लाख ओनली। सो 30 लाख इज द बेनिफिट ड्यू टू जीट। ओके, द कंपनी कैन अर्न 15% ऑन इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, सो इट इज़ लाइक अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कंपनी ने अगर इन्वेस्टमेंट किया लॉन्ग टर्म तो उसको कितना अर्न होगा, वो हम लोग को दिया है 15%। ओके, सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्यू टू द जीट एंड बेनिफिट्स ड्यू टू द जीट। ओके, सो फाइनली विल गेट द नेट बेनिफिट और नेट लॉस ड्यू टू द जीट। ओके, द कंपनी कैन अवॉइड रेंटल एक्सपेंडिचर ऑन स्टोरेज फैसिलिटी अमाउंटिंग टू 33,000 पर एनम। ओके, कैन अवॉइड
it means this is the benefit. Okay, property taxes and insurance amounted to 20,000 will be saved due to JIT. So it is a benefit. Next is presently 7 workers are in workers in store department at a salary 5,000 each per month. After implementing JIT scheme, only 5 workers will be required in this department. Oh, basically, so 7 workers were working in that particular department, but after JIT, 5 workers will required in this department. It means 2 workers we can terminate them. See, balance 2 employees will be terminated. It means जो 2 worker का जो भी salary का हम लोग का cost आ रहा था वो reduce होगा. तो वो जो भी कॉस्ट हम लोग का बच रहा है वो हम लोग का बेनिफिट है. नेक्स्ट है, ड्यू टू द रिसिप्ट ऑफ स्मॉलर लॉट्स ऑफ रॉ मटेरियल देयर विल बी सम डिस्टर्बशन ऑफ प्रोडक्शन. ओके, सो ऐसे है कि जीट में क्या होता है ना कि इन्वेंट्री हम लोग बहुत कम लॉट में हम लोग कैरी करते हैं. ओके, सो हमारे पास जो रॉ मटेरियल होता है उसका लॉट बहुत स्मॉलर होता है. सो उसकी वजह से कभी कभी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आता है. द कॉस्ट ऑफ स्टॉक स्टॉक आउट्स आर एस्टिमेटेड एट 77,000 पर एनम. सो स्टॉक कम होने की वजह से कुछ लॉसेस हो रहे हैं. सो वो कितना भी है 77,000 पर एनम. सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ जीट. इट मीन्स दिस इज द कॉस्ट ड्यू टू द जीट. Okay, determine the financial impact of a JIT policy. Is it advisable for company to implement the JIT system? Okay, so हम लोग को cost और benefits का comparison करना है और company को बताना है कि आप लोग को JIT करना चाहिए कि नहीं, JIT system का implementation करना चाहिए कि नहीं. Okay, so basically हम लोग को इसके लिए एक table prepare करना पड़ेगा. See, statement, cost and benefit analysis of JIT policy. ओके, बेसिकली दिस साइड पे कॉस्ट रिकॉर्ड किया, इधर हम लोगों ने बेनिफिट रिकॉर्ड किया. इट इज़ नॉट अ अकाउंट, इट इज जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द नेट बेनिफिट और नेट लॉस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है वो हम लोग यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया था कि मॉडिफिकेशन कुछ करना पड़ेगा प्रोडक्शन एंड मटेरियल सिस्टम रिसिट के फैसिलिटी में. कैपिटल कॉस्ट दिया था 10 लाख, राइट? कैपिटल कॉस्ट इज गिवन 10 लाख, बट ये पूरा का पूरा एक ही बार में हम लोग को राइट ऑफ नहीं करेंगे. ओके, इसका हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को 15% लेना चाहिए. ओके, चाहिए तो आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ये 10 लाख हम लोग ने दूसरी जगह पे किधर इन्वेस्ट किया होता, ओके, तो हम लोग को कितना रिटर्न्स मिलता, 15%, राइट? सो 10 लाख अगर इन्वेस्ट कहीं पे भी किया होता तो 15% हम लोग को रिटर्न मिलता. इसका मतलब 150,000 का इनकम हम लोग को उधर से मिलता या फिर रिटर्न्स हम लोग को उधर मिलते थे. लेकिन हम लोग ने तो इन्वेस्ट किधर किए या फिर हम लोग ने उधर उसको इनकर किधर किया, जीट में. ओके, सो जीट में इनकर किया तो हम लोग को उतना लॉस हो रहा है या फिर हम लोग का उतना इनकम कम हो रहा है. सो इसीलिए हम लोग का कॉस्ट है. ओके, सो 10 लाख्स वी हैव इनकर्ड और वी आर यूजिंग इन implementation of JIT. So 10 lakhs we are putting here instead of putting in JIT. If we will invest it in the market, so we'll get a 15% return on that. So 10 lakhs multiplied by 15%. Okay, so here we are losing income of 150,000 due to implementation of JIT. So this is the cost to the company. Okay, next is cash operating cost. This is the cost 1,08,000 per annum. So we'll directly record it 1,08,000. Okay, which is given in the question 1,08,000. Next. Okay, up to this we have recorded. Now, raw material stock holding will be reduced from 40 lakhs to 10 lakhs. So this is the benefit. Okay, ये तो हमारा benefit है क्योंकि 40 lakhs से 10 lakh तक reduce हो गया है जो इन्वेंट्री का हैंडलिंग कॉस्ट होता है वो. ओके, सो बेनिफिट कितना हुआ हम लोग का, 30 लाख्स का बेनिफिट हम लोग को हो रहा है. ओके, सो अगर ये 30 लाख हम लोग ने किधर इन्वेस्ट किए तो हम लोग को कितना मिलेगा, 15%. सो 4,50,000 का हम लोग को रिटर्न मिल सकता है. ओके, सी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन रिलीज्ड फंड. ओके, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सी
40 लाख हम लोग का पहले कॉस्ट आ रहा था, माइनस 10 लाख ओके मल्टीप्लाइड बाय 15%, ओके अर्लियर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैरिंग वॉज 40 लाख, नाउ इट इज जस्ट 10 लाख, सो बेनिफिट इज ऑफ या और एल्स सेविंग ऑफ 30 लाख. If we will invest this 30 lakh in the market, so we'll get return at the rate of 15%, that is 4,50,000. So this is the benefit for the company, that is 4,50,000. Okay, I hope you all are understanding this. Next is the company can earn 15% on its long term investment, which we have already used. Next is the company can avoid rental expenditure on storage facility amounting to 33,000 per annum. Obviously, now inventory stock is very less, so rental expenses will be saved by the company. So 33,000 ka jo rent hai, wo rental expense hai, wo company save kar rahi hai. So saving in rental expenditure, which is given in the question, 33,000. Okay, next, property and taxes insurance amounting to 22,000, which will be saved due to the JIT system. Saved, so it is benefit for the company. 22,000 saving in the property and tax insurance and all, 22,000, which is given in the question. Next, we have completed till this. Next, presently there are seven workers in the store department at a salary 5,000 each per month. After implementing JIT scheme, only 5 workers will be required. Okay, 7 workers थे, अभी सिर्फ 5 workers चाहिए, तो 2 workers हम लोग को अभी कम करने पड़ेंगे, terminate करने पड़ेंगे. Okay, see, balance 2 workers, that is workers employment will be terminated. So 2 workers का हम लोग का जो salary है वो बचेगा. See, salary कितना था? 5,000 per. Okay, so saving in salary of 2 workers. Okay, 2 workers multiplied by, salary was 5,000 but it was per month, so multiplied by 12 months. Okay, so we'll get the saving in salary. So 2 multiplied by 5,000 multiplied by 12, it comes to 1,20,000. 1,20,000 ka benefit ho raha hai JIT ki wajah se. And last one, that is due to the receipt of smaller lot of raw material, there will be some disruption of production. The cost of stock outs are estimated at 77,000 per annum. So this is a cost, kyunki stock outs ho raha hai, so uski wajah se production mein problems aa raha hai, so uski wajah se losses ho raha hai hum log ko, ya fir cost incur ho raha hai 77,000 per annum ka. और लास्ट में तो हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया है कि क्या कैलकुलेट करना है. सो क्वेश्चन इधर ही ख़त्म होता है. 77,000 का कॉस्ट हो रहा है. सी, स्टॉक आउट्स कॉस्ट गिवन, विच इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, 77,000. ओके, सो ये क्वेश्चन में हम लोग ने सब डेटा यूज़ किया है एक्सेप्ट दिस. द कैपिटल कॉस्ट विल बी डेप्रिसिएटेड ओवर 5 years. सो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डेप्रिसिएशन का इन्फॉर्मेशन है. ओके, दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर डेप्रिसिएशन, बट वी विल नॉट कंसिडर दैट ओवर हियर बिकॉज डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटीज. ओके, सो वी हैव गिवन नोट. सी, क्वेश्चन में भी हम लोग को इधर नोट दिया हुआ है. इसमें डेप्रिसिएशन बींग अपोर्शनेट ऑन of a apportionment of a capital cost is ignored in decision making. Tax saving on depreciation is not considered in the above analysis. Okay, so depreciation basically क्या होता है कि हम लोग का जो capital cost है उसका apportionment रहता है. Okay, so उसको decision making में consider नहीं करना है. Okay, बिकॉज हम लोग ने जो कॉस्ट इनकर किया है उसका ही जस्ट अपोर्शनमेंट करके हम लोग उसको राइट ऑफ करते रहते हैं, उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है. सो उसको इधर कंसिडर नहीं करना है. और टैक्स सेविंग का तो सवाल ही आता है क्योंकि हमारे पास टैक्स रेट भी नहीं है. ओके, सो वी विल नॉट कंसिडर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन ऑल्सो बिकॉज टैक्स रेट इज नॉट गिवन एंड डेप्रिसिएशन इज नॉट कंसिडर इन केस ऑफ डिसीजन मेकिंग. सो दैट्स वाई वी हैव नॉट रिकॉर्डेड depreciation of new production facility, that is we have given in the note, so it is dash. So now simply we have to close this. First of all, we'll take the total of benefits, that is 4,50,000 plus 1,20,000 plus 33,000 plus 22,000, it comes to 6,25,000. Okay, so total is 6,25,000. Okay,
एंड हियर 150,000 प्लस 108,000 प्लस 77,000 इट इज 335,000। ओके, सो बेनिफिट्स ज़्यादा हो रहा है, बेनिफिट्स ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग जैसे अकाउंट में लिखते हैं दोनों जगह पे, वैसे ही हम लोग लिखेंगे कि 625,000 इज़ द बेनिफिट। सो हम लोग ने दोनों जगह पे लिखा, सो 625,000 बेनिफिट है, उसमें से ये जो सारे कॉस्ट है वो हम लोग को माइनस करना है। ओके, सिंपली हम लोग माइनस कर रहे हैं 625,000 में से, सो हम लोग को नेट बेनिफिट मिल रहा है 290,000। सो नेट बेनिफिट ड्यू टू जिट पॉलिसी इज 290,000। ओके, नेट बेनिफिट ड्यू टू जिट पॉलिसी इज 290,000। अभी सिंपली हम लोग को एक कंक्लूजन देना पड़ेगा। ओके, द जीट पॉलिसी मे बी इम्प्लीमेंटेड एज देर इज अ नेट बेनिफिट ऑफ 290,000 पर एनम। सो इधर बेनिफिट हो रहा है तो जीट पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए। सो डेप्रिसिएशन का नोट जो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में हम लोग को दिया है आंसर में, वैसे ही हम लोग ने इधर भी लिखा है कि डेप्रिसिएशन बींग अपोर्शनमेंट ऑफ कैपिटल कॉस्ट एंड हेंस इट इज इग्नोर इन डिसीजन मेकिंग। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस illustration number 6. Okay, if you found this video helpful then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.